शहरी सरकार का मुखिया चुनने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्षदों को विपक्ष की भूमिका ही अदा करनी पड़ रही है। मेयर चुनने के बाद भी कांग्रेस पार्षद उस भूमिका में नहीं है जो सत्ता पक्ष के पार्षदों की होनी चाहिए। आचार संहिता हटने के बाद कांग्रेस पार्षद सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को जयपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद उम्रदराज ने कांग्रेस पार्षदों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आचार संहिता से पूर्व जो कार्य स्वीकृत हुए थे उन्हें मूर्त रूप देने का अब समय आ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव में मेयर तो एक ही चुना गया था, लेकिन अब दो पार्षद भी मेयर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा से निष्कासित पार्षदों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उम्रदराज आज भी उन्हें कांग्रेसी पार्षद नहीं मानते। यही वजह रही कि इस बैठक में भी उन पार्षदों को नहीं बुलाया गया। हमारे कांग्रेस के कुछ चेयरमैन बने थे, उसके चेयरमैन बनने के बाद और मेरे प्रतिपक्ष नेता बनने के बाद आचार संहिता लगी, और आचार संहिता लगी थी, हमें बड़े लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, 3-3.5 महीने हो गए इन बातों को। कल दो रोज पहले आचार संहिता खत्म हुई है, और आचार संहिता लगने से पहले 3-3 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के सारे टेंडर लगाए गए थे, जो शायद मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि सारे जितने भी पार्षद हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, जो टेंडर किए गए हैं वो सारे विकास कार्यों के लिए वकोडर कराने के लिए उनकी मुलवाई है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इसका बचे हुए कार्यकाल के अंदर हम जनता के बीच में अच्छे काम कर सके और जयपुर का विकास कर सके। निजी कंपनी की गाड़ियां जो डोर टू डोर नहीं जा रही है, आज भी वही हालात है, आज भी गाड़ियां घरों में नहीं पहुंच रही है। सुबह से 7 बजे से हमारे पास शिकायत आने लगती है, लेकिन गाड़ियां नहीं जा रही है। हम डीसी को भी फ़ोन करते हैं, मेयर साहब को भी कई बार लिखित में भी सबको कह चुके हैं, लेकिन सफाई का तो वही डर रहा है, वही हालात है। ये इसको लेकर के हम मेयर साहब से फिर बात करेंगे, गाड़ियाँ सब तक पहुँचनी चाहिए। और दूसरा लाइटों को लेकर के, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर भी अभी फेज वायर जो है मात्र 2-4 किलोमीटर का खिंचा, ना ही लाइटें लगी है, तो ये रोड लाइट लगने और फेज वायर खींचना ये कुछ जरूरी।